ओम गुरुभ्यो नमो ओम गम गणपतये नमः ओम नमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम माते श्री नमो नमः ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउर क्लब में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आई डी sanjyzd75@gmail.com। ऑल द साइट्स एंड वेबसाइट संजय कैपिटल G75.com। तो चलिए, 1 जून 2023 राशिफल, गुरुवार का दिन और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, एकादशी के बाद वीक मून रहेगा। और नक्षत्र चित्रा में आज का 8:48 AM तक और आगे स्वाति में चले जाएंगे, चित्रा स्वाति नक्षत्र में। और आज का सूर्योदय 5:23 AM, सूर्यास्त 7:14 PM और चंद्र राशि तुला राशि में आज चलेंगे। अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM 12:46 PM तक और आज का राहु काल 2:02 PM से 3:46 PM तक। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा पे सावधानी पूर्वक। राशि बल मेष वृष सिंह तुला धनु मकर पावरफुल। नक्षत्र भरणी रोहिणी कृ मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु अश्लेषा पूर्वा फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा ज्येष्ठा पौर्वाषाढ़ा श्रवणा घनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद रेवती। इन नक्षत्रों में बल रहेगा। अब बात करते हैं राशिफल। टारगेट 7th तुला नक्षत्र और यहाँ चित्रा स्वाति। सो सबसे पहले आज का 7th मून मेष राशि, चंद्रमा केतु के साथ, केतु के हाउस में दृष्टि गुरु का राहु के साथ। स्वाभाविक बात है यहाँ नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, एक तरफ शुभ कहा जाएगा एक तरफ नॉट गुड कहा जाएगा, अशुभ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अशुभ ग्रह के साथ होने के बावजूद क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ नेचुरली एक तो मंगल का दृष्टि और राहु का दृष्टि और केतु के साथ, इन सभी दृष्टि होने के बावजूद अगर बल में देखेंगे तो गुरु बृहस्पति बलि होके इसके ऊपर दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जा रहे हैं, चंद्रमा का दृष्टि भी यहाँ जा रहा है। बेसिकली मैं अच्छा कहूंगा तो यूनिवर्सली यू फील टूडे गुड, बट क्रूरता रहने वाला है, चालाकी चतुराई भी रहने वाला है, ठगी भी रहने वाला है 30%। बाकी आप अच्छा पाओगे। मेष राशि सप्तम चंद्रमा, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट मजा मस्ती गुड गुड प्लस प्लस, कंट्रोल कर लो राहु का एनर्जी को, राहु गुरु क्रॉस एनर्जी को क्रॉस कर लो। टारगेट कार्मिक एनर्जी 60-70% रहेगा। आर्थिक स्थिति भी बढ़िया दिख रहा है यहाँ, लेकिन सूर्य बैठे हुए हैं उजाला कर देंगे, जहां बैठते हैं जला भी देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वृष राशि का। लग्न के ऊपर सूर्य बैठे हुए, चंद्रमा अपने से छठा में, आरोग्यता बल बुद्धि पुष्ट बधाई विधायक रहने वाला है, गुड प्लस प्लस यहाँ भी 60-70% वृष के लिए। आर्थिक स्थिति पाप कर्तरी में फंसा, उतना ज्यादा मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आज आपके लिए पंचम चंद्रमा, बुड़बकी से बचो, घात चंद्र से बचो, केतु मंगल का दृष्टि में है, बहुत सावधान मिथुन वाले रहना और साथ में राहु का भी दृष्टि है। गुरु बचाएंगे जरूर, लेकिन इंसिडेंट होने का संभावना मिथुन के साथ कहीं ना कहीं दिख रहा है। केकड़ा के लिए बात करते कार्मिक एनर्जी यहाँ घट जाएगा 46%। आर्थिक स्थिति मंगल बैठा है, मंगल करे दंगल, द्वितीयम का मंगल नहीं आता है चुंगल। चलिए केकड़ा चतुर्थ चंद्रमा, कॉन्फिडेंस में थोड़ा लूज रहेगा। लग्न के ऊपर मंगल को संभाला काम बन जाएगा, नहीं संभाला समझ लेना शाम तक हिसाब करो, आयाराम गया आराम। चलो बात करते हैं सिंह का। सिंह के लिए टॉप रहेगा, थर्ड चंद्रमा रहेगा आज पूरे बला बल के साथ, फुल पावर फुल एनर्जी, टॉप गो गो। ऊपर से आपके ऊपर राहु और गुरु का दृष्टि है, बड़ा चलाकी कर सकते हो, मस्त चलाकी हो सकता है, अच्छे अच्छे को निकाल सकते हो, लेकिन टेंशन बढ़ा रहेगा, इसमें कोई दवराय नहीं है। संभालो द्वादश का मंगल और लग्न के ऊपर राहु गुरु और शनि राहु का दृष्टि, तब कुछ सिंह वाले कर सकते हो, वरना ये थर्ड चंद्रमा अति उग्र बना सकता है, सावधान रहना। कार्मिक ऊर्जा देगा, सफलता भी दे रहा है, अर्थ स्थिति भी ठीक दे रहा है। चलिए कन्या वालों का द्वितीय चंद्रमा, धनवाणी परिवार सावधान रहियो भैया, मुंह संभाल के चलाना, मुंह में तीन तीन आने, इधर मंगल राहु केतु सबका दृष्टि आना कोई बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं कहूंगा। मुंह कंट्रोल कर लिया आज आपके लिए एकदम बमबमाएगा, नहीं कंट्रोल कर पाया तो झटका खाओगे।
आर्थिक स्थिति अचानक कहूंगा, कार्मिक एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा घटा रहेगा। तुला वालों के लिए बात करते हैं, तुलो तो आपके लिए आज लग्न के ऊपर चंद्रमा, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, करेक्ट आइडिया आएंगे। कार्मिक एनर्जी है 70-80% मान सम्मान प्राप्ति भी है, संभालो। मंगल का दृष्टि और केतु का स्थिति और राहु के ऊपर ऊपर आपके ऊपर आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बौखला सकते हो, बिगला सकते हो, खर्चा बढ़ा सकते हो, कंट्रोल कर लिया तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं बिच्छू, द्वादश का चंद्रमा यहाँ, ना अच्छा ना बुरा, खर्चा से बचो, यात्रा से बचो, आर्थिक स्थिति मस्त रहने वाला है। चलो कार्मिक एनर्जी नॉट गुड। धनु वालों का बात करते हैं, तो धनु वालों का एकादश चंद्रमा हर प्रकार से अच्छा है, गुड है, बेस्ट है, गो गो, काहे समझाएं। मकड़ू का बात दशम चंद्रमा, रुका हुआ काम बनेगा आज, एनर्जी कार्मिक एनर्जी बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगा, तो बढ़िया है मकड़ू, बढ़ो आगे ही आगे। मटका बल कुंभ का बात करते हैं, तो ये नवम चंद्रमा बनता है, नॉट गुड। चार मीन का बात करते हैं, छठा अष्टम चंद्रमा बनता है, तनाव दुख कष्ट पीड़ा बन सकता है, काम में बाधाएं हो सकते हैं, उतना ज्यादा मैं यहाँ गुड नहीं कहूंगा। तो ये था आज का मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत का राशिफल, और ये नक्षत्र का बात करते हैं थोड़ा सा। तो आज का जो नक्षत्र है वो आज बनता है चित्रा नक्षत्र, लेकिन 6:48 तक सुबह रहेगा, उसके बाद स्वाति हो जाएगा। तो जब स्वाति हो जाएगा तो हम लोग किसी भी प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड हवन तवन दवन करते हैं, तो जब संकल्प करेंगे अमुक नक्षत्र अमुक राशि स्थिति अमुक, तो वो उस समय बोलेंगे चित्रा नक्षत्र, ठीक है ना। जब संकल्प पंडित करता है या कोई भी ऑफिशियल पूजा पाठ करता है तो उस समय ये चित्रा ही मान्य रहेगा, क्योंकि सूर्योदय के समय यही था, लेकिन आपका ऊर्जा आज फील करोगे स्वाति, तो मैं जो भी बोलूंगा झूठ हो जाएगा, तो जो बोलूंगा डबल बोलूंगा, समझ लेना। तो चलिए, केतु के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है अश्विनी मेष मघा सिंह मूला धनु, तो आपके लिए आज का जो नाक्षत्रिक ऊर्जा क्या रहने वाला है। जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा पे रहेगा, प्रत्यारी साधक तो गुड है। शुक्र के तीन नक्षत्र वालों का बात करते हैं, भरणी मेष पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा पे जा रहा है, नॉट गुड, 50-50 है। सूर्य के तीन कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा पे जा रहा है, अच्छा है। चंद्रमा के तीन नक्षत्र रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकरू, जन्म संपद विपद तारा में जा रहा है, नॉट गुड, सावधान रहियो भैया। मंगल के तीन नक्षत्र मंगलशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ, संपद है, कुछ ना कुछ तो बमबमाएगा। राहु का तीन नक्षत्र आद्रा मिथुन स्वाति तुला सतबीसा कुंभ, 70% गुड, 30% नॉट गुड। गुरु का तीन नक्षत्र पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन, अतिमेत्र जोन पे है, गुड गुड। शनि के तीन नक्षत्र पुष्या कर्क वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन मित्र जोन पे, गुड, अच्छा है, गो गो। बुध का तीन नक्षत्र अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, और ये बन रहा है आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा पे है, गुड गुड गो गो, अच्छा है, धन्यवाद, नमस्कार।